देखिए, जब बाबा साहब ने इस देश का संविधान रचित किया और बाबा साहब ने ये कहा था कि मैं, और बाबा साहब ने उसमें आरक्षण की व्यवस्था दी, भारतीय संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था दी वो इसलिए दी, बाबा साहब ने ये कहा था कि पढ़े लिखे लोगों जो सरकारी नौकरियों से जाएं, उस समय पर जो बराबरी का हक और अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब ने ये कहा था कि हक और अधिकार बराबर आने के लिए और जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, समाज का गरीब वर्ग है, उसको कहीं ना कहीं आगे लाने के लिए उसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन उसका बहुत सारे ऐसे लोगों ने जो आज भी आडंबरों में लिप्त हैं, जो आज भी जो पूजा पाठ में लिप्त हैं, जो अपने घरों में मंदिरों में जाते हैं, अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, वो कहीं ना कहीं बाबा साहब ने जो परिकल्पना की थी, जो बाबा साहब ने उनको दिया था, अनुसूचित जाति जनजाति और इन पिछड़े वर्ग के लोगों को जो दिया था, उन्होंने ये कहा था कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, और यही कारण था कि जो आरक्षण की व्यवस्था मिली उससे हम लोग यहाँ तक पढ़े, जो ये पिछड़ा गरीब समाज था वो यहाँ तक बढ़ा और वो बड़े बड़े शहरों में जाकर के बसा, बड़े बड़े गाड़ियों में वो रहने लगा, बिसलरी का पानी पीने लगा। लेकिन वो जो बाबा साहब ने परिकल्पना की थी, बाबा साहब ने जो एक महसूस किया था कि समाज को गरीब लोगों को जो है आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं उससे हट करके उनके अंदर न जाने कौन सा डर बैठा हुआ है, वो बाबा साहब के विचारों को बाबा साहब के सिद्धांतों को भूल करके वो कहीं ना कहीं जो आडंबर हैं, रीति रिवाज हैं, उन क्रूतियाँ हैं, उनमें वो लगे हुए हैं। यदि वो उनसे नहीं निकलते हैं तो जो बाबा साहब ने अब तक हमको दिया था, जो संविधान के दायरे में हमको मिला था, जो आरक्षण से हमको मिला था, वो उनके बच्चों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आज तक वही लोग बड़े हैं जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है, जिन्होंने बाबा साहब को उनके विचारों को पढ़ा है, उनके विचारों को ग्रहण किया है, और वही लोग आज तक आगे पढ़े हैं। लेकिन अगर उस विचारधारा से, बहुजन विचारधारा से या बाबा साहब की विचारधारा से लोग अगर आडंबरों में आज हैं, लिप्त हैं, तो वो जल्दी से उनको उस चीज़ को छोड़ना होगा, वरना उनके बच्चों का अंधकार में है, क्योंकि आज दोहरी शिक्षा हो रही है, महंगी शिक्षा हो रही है, शिक्षा को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान जो निजीकरण हो रहा है, तो इस चीज़ को महसूस करना होगा। अगर जल्दी से बहुजन समाज के लोग, ये पिछड़े वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति के लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को एक बहुत ही पीछे ले जा रहे हैं और बहुत उनको शिक्षा नहीं दे पाएंगे, उनको नौकरी नहीं दे पाएंगे। इसलिए सचेत होकर के आज का जो वातावरण है उसके अनुसार उनको जो है बाबा साहब की विचारधारा और बहुजन समाज की विचारधारा पर मिलकर के काम करना चाहिए। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।